बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का चैप्टर 5 है, मिसलेनियस। इसका सेक्शन 29 है, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र। सब सेक्शन 1 इसका कहता है, द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी विदड्रॉ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर अ स्पेशल जज रेंट और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड ट्रांसफर इट फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर स्पेशल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कंपेटेंट टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसी स्पेशल जज रेंट के सामने या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, और जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई पार्टी चाहती हैं कि ये जो प्रोसीडिंग है ये एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर वो पार्टी डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन देंगी। एप्लीकेशन देने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज जो दूसरी पार्टी होगी उसको नोटिस भेजेगा कि हम ये प्रोसीडिंग विदड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर जब डिस्ट्रिक्ट जज नोटिस भेजेगा दूसरी पार्टी को, उसके बाद वो प्रोसीडिंग जो पेंडिंग होती है किसी स्पेशल रेंट जज के सामने या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तो उसको ट्रांसफ़र करेगा डिस्पोजल के लिए किसी दूसरे जज को या किसी दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को जो कि कॉम्पिटेंट होगा उस केस को डिस्पोज करने के लिए। उसके बाद सब सेक्शन 2 है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अपील जो कि पेंडिंग होती है किसी डिस्ट्रिक्ट जज के सामने या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तो प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे लाहौर हाई कोर्ट उसी अपील को किसी दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है डिस्पोज करने के लिए। इसके बाद है सेक्शन 30, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, कि वो जो प्रेमिसेस रेंट पे दी जाती हैं उसकी अगर ऑनरशिप चेंज हो जाए, यानी कोई दूसरा शख्स मालिक बन जाए, जो पहले मालिक था वो उस प्रेमिसेस को सेल करता है, कोई दूसरा शख्स मालिक बन जाता है, तो वो जो टेनेंट हैं उसको कैसे नोटिस दिया जाएगा और क्या तरीक़ेकार होगा आगे। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं, इफ़ द ऑनरशिप ऑफ फॉर रेंटेड प्रेमिसेस हैज़ बीन ट्रांसफर, द न्यू ओनर शैल सेंड अ रिटन इंटीमेशन ऑफ द ट्रांसफर बाय रजिस्टर्ड और पोस्ट और अ कोरियर सर्विस टू द टेनेंट एंड शैल अप्लाई टू द रेंट रजिस्ट्रार फॉर एंटरिंग हिज नेम इन द रजिस्टर एज द लैंडलॉर्ड फॉर द ऑफ द प्रेमिसेस। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि अगर जो रेंटेड प्रेमिसेस है उसका अगर ऑनरशिप चेंज हो जाए, यानी दूसरा शख्स मालिक बन जाए, तो जो नया ऑनर होगा वो एक रिटन इंटीमेशन भेजेगा टेनेंट को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए, और साथ में रेंट रजिस्ट्रार को भी एप्लीकेशन देगा कि रेंट रजिस्ट्रार जो है वो अपने पास रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करे एज लैंडलॉर्ड कि वो अब जो है उस प्रेमिसेस का ऑनर बन गया है। और सब सेक्शन 2 में जो रेंट रजिस्ट्रार है वो लैंडलॉर्ड की एक्सपेंसेस पे टेनेंट को नोटिस भेजेगा कि अब इस प्रेमिसेस की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, और उसके बाद विद इन 30 डेज जो टेनेंट है वो जो रेंट ड्यू होगा, जो और उसने किराया पे करना होगा टेनेंट ने, वो आगे जो नया लैंडलॉर्ड होगा, जो नया ऑनर होगा, उसको वो पे करेगा। उसके बाद सेक्शन 31 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में बताता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो किसी ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, इजरा कैसे करेगा। तो इसमें कहते हैं कि जब भी कोई रेंट ट्रिब्यूनल, कोई डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोई भी ऑर्डर पास करता है तो रेंट ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, और उसी तरह से एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि एक सिविल कोर्ट जो डिग्री पास करता है उस डिग्री को जैसे सिविल कोर्ट एग्जीक्यूट करता है, उसी तरह से ये रेंट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को या अपना कोई ऑर्डर उसका है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और इस हवाले से जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो सिविल कोर्ट की तमाम पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करेगा एग्जीक्यूशन के हवाले से। उसके बाद है सेक्शन 32, इंडेमनिटी, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट अ स्पेशल जज और एनी पर्सन और अथॉरिटी एक्टिंग अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल जज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई स्पेशल जज है रेंट का, या कोई और शख्स है, या कोई अथॉरिटी है जो कि स्पेशल जज के डायरेक्शंस पे काम करती है और गुड फेथ में करती है, तो उसके उस एक्ट या कोई भी जो उसने काम किया है तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी कोर्ट में। इसके बाद है सेक्शन 33, पावर टू मेक रूल्स। तो सब सेक्शन 1 है, द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। तो इसमें कहते हैं जो पंजाब हुकूमत है वो इस एक्ट के पर्पस के लिए रूल्स भी बना सकती हैं, और वो रूल्स एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ऑफिशियल गज़ट में वो शाया करेंगी। सब सेक्शन 2 है इसमें,
इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ ऑफ द फॉरगोइंग पावर द रूल्स मे प्रिस्क्राइब अ मॉडल टेनेंसी एग्रीमेंट अ ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड अ नोटिस अंडर दिस एक्ट। तो सब सेक्शन टू में कहते हैं कि वो जो पंजाब हुकूमत जो कोई रूल्स बनाएंगी तो वो जो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है उसका मॉडल किस तरह होगा, फॉर्म किस तरह होगा, उस हवाले से रूल्स बना सकती हैं। जो एप्लीकेशन दी जाती है रेंट ट्रिब्यूनल को उसका ड्राफ्ट कैसे होगा उस हवाले से भी पंजाब हुकूमत रूल्स बना सकती हैं, और जो नोटिस होगा नोटिस किस शेप में भेजा जाएगा, किस तरह भेजा जाएगा, तो उस हवाले से पंजाब हुकूमत रूल्स बना सकती हैं। इसके बाद है सेक्शन 34 प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई। तो इसमें कहते हैं सेक्शन 34 में कि जो कानून शहादत ऑर्डर है और जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तमाम जो प्रोविजंस हैं वो सी यहाँ पे इस रेंट लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे, इस एक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद सेक्शन 35 है जो कि रिपील्स और सेविंग के बारे में बताता है कि जो पहले ये 1959 का ऑर्डिनेंस था पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस, तो ये कहते हैं इस ये सेक्शन 35 बयान कर रहा है कि वो उसको रिपील्ड किया जाता है यहाँ पे, और साथ में सेक्शन 36 यहाँ पे रिपील एंड वैलिडेशन। तो इस तरह से ये जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस था 2007 का तो वो भी कहते हैं सब सेक्शन 1 में यहाँ पे कहते हैं कि वो भी रिपील हो चुका है, ये एक्ट यही सेक्शन उसको रिपील कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।